Hey, hi everyone. This is Yashwardhan. I'm one of the co-founders here at AccuJob. And today we are shooting a very, very, very special episode. Right. So today I'm going to be talking to Sobhik. And Sobhik is an AccuJob student, now an alumni. But the most special part is he's the first AccuJob student which AccuJob hired themselves. Right. So Sobhik has now joined AccuJob full time as a front end engineer. And he spent a month with us already in the office now. And today's conversation would be really exciting to understand Sobhik's story, what his entire journey looked like. And trust me, it's a roller coaster of a ride. Hugely inspiring for each and every viewer there. And post that, we'll definitely spend some time talking about how he's liking AccuJob. Does he like me or not? How he's liking the product which we are building. And how is his experience going on, right? So let's just get started with this special episode. And I would love to ask Sobhik first, ki kahan se journey start hua, kahan se 10th, 12th schooling kahan se tha, padhai kahan se kar rahe the, phir aage journey kaise rahi, thoda detail mein apni story puri samjhao sabko. So main Sobhik Mishra hu, main Bengal se belongs karta hu. So first मैंने 2011 को मेरा 10th कंप्लीट किया. उसके बाद 2013 को मैं 12th कंप्लीट किया विद साइंस. सो आफ्टर दैट आई थिंक फ्रॉम फैमिली साइड ओनली आई गॉट सजेस्ट सो आई हैव टू गो विद ग्रेजुएशन. सो मैंने ग्रेजुएशन चूज किया. सो एज ए जूलॉजी ऑनर्स आई टेक ग्रेजुएशन. सो आई स्टार्टेड ग्रेजुएशन बट समहाउ आई एम फीलिंग दैट आई एम मिसिंग समथिंग मींस व्हाट आई माय पैशन I'm missing. So I after 2 years of graduation, so I switched my career and I joined a diploma polytechnic and I completed successfully completed 2018 diploma in electrical engineering. After that I got place one of the reputed MNC company in Bangalore, Centrum Electronics Limited. I work as a technician almost 4 years. So in between I start my BTEC learning with my job only. So this is a wonderful journey for me because I am following my passion. I want to be so aisa continue chalta raha. Uske baad main ek company se thoda inspire hona start hua, kya mera journey kaise start aur bhi behtar bana sakta hu, matlab mera career ko aur bhi kaise acha bana sakta hu. To main dekha aur ek पैशन मेरा जो हॉबी और एक हॉबी मेरा हॉबी था बहुत एक्सप्लोर करना. तो एक्सप्लोर करते करते एक दिन पता लगा नहीं मेरा इंटरेस्ट कोडिंग के ऊपर जा रहा है. सो मैं तब एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया एक कोडिंग जर्नी को मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ. मैं बहुत तरह बहुत प्लेस को पता लगाया, बहुत इंस्टीट्यूशन के साथ कॉन्टेक्ट किया, लेकिन हर जगह पे एक ही प्रॉब्लम था. जो प्रॉब्लम मैं एक्सपीरियंस किया वो मनी फिनेंशियल प्रॉब्लम. क्या हर एक कोर्स लेने जाते हो तो पहले 1.5 लाख 2 लाख का पैसा देना पड़ता है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करना करने के बाद भी वो पॉसिबल नहीं हो पाता है उतना अमाउंट पे करना. तो ऐसा ही रैंडमली मैं कोई सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू पता लगा एक्यू के बारे में. सो उसके बाद आई ज्वाइन. गॉट इट. तो एक बार मैं पुरान पांच जर्नी वापस से थोड़ा रिकलेक्ट करके समझना चाहूंगा. तूने 11 12 खत्म किया 2013 में, राइट? उसके बाद व्हाई डिड यू टेक बीएससी जूलॉजी, व्हाई नॉट टेक बीटेक डायरेक्टली और व्हाई नॉट टेक समथिंग एल्स? जूलॉजी क्यों लिया? सो इधर भी एक रीजन था क्योंकि जब मैं 12th चल रहा था तब थोड़ा फैमिली रीजन पे मेरा एग्जाम भी उतना अच्छा नहीं गया था, मेरा मार्क्स भी काफी कम हुआ था, तो उसके चलते मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था अच्छा कॉलेज में. गॉट इट. तो इसी रीजन पे बाय फैमिली प्रेशर आई मूव ऑन टू द ग्रेजुएशन. गॉट इट. समझ गया मैं. तो तूने बीएससी जूलॉजी ले लिया फैमिली प्रेशर, फैमिली ने कहा कि ग्रेजुएशन तो कर ही लो. एक तो रहता है ना गवर्नमेंट जॉब करना है, राइट? दिस इज द मेन मेंटालिटी. यस, इट्स ट्रू. गॉट इट. फिर तूने बीएससी जूलॉजी क्विट करके डिप्लोमा में एडमिशन लिया क्योंकि मेरा मन में चल रहा था मैं तो कुछ मिस कर रहा हूँ जो मेरे से बन नहीं पा रहा है. तो इसीलिए मैं
एज ए इंजीनियर एक्चुअली मेरा छोटा सा इच्छा था इंजीनियर बनूंगा लेकिन वो मेरे से कहीं ना कहीं कमती हो रहा था. बाद में जब पता चला नहीं ऐसा भी होता है तुम नीचे से भी जा सकते हो मतलब आपका डिप्लोमा तुम बीटेक कर सकते हो तभी कोई वो जो मार्क्स का बैरियर रहता है वो नहीं रहता है तो इसीलिए मैं नीचे से फिर से स्टार्ट किया. अच्छा तो तू डिप्लोमा लिया इंस्टेड ऑफ इंजीनियरिंग बिकॉज मार्क्स के बेसिस पे डिप्लोमा इजीली मिल रहा था. गॉट इट. एंड देन दिस इज 2015. यस 2015 यू स्टार्टेड योर डिप्लोमा एंड डिप्लोमा यू डिड इट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. गॉट इट. एंड 2018 यू केम आउट विद अ डिप्लोमा एंड गॉट अ जॉब इन बैंगलोर इन सेंट्रम. यस गॉट इट. तो सेंट्रम के बारे में बता. सेंट्रम में तूने 3.5-4 years काम किया है. So, Centrum is my first company. So it's a wonderful journey for me. Because जब join किया तब ने देखा नया नया चीज हम लोग एक्चुअली मैं था वो एक एरोस्पेस डिफेंस कंपनी है. उसी कंपनी का प्रोडक्ट जो रहता है वो डिफेंस बेस्ड प्रोडक्ट रहता है एरोस्पेस बेस्ड प्रोडक्ट रहता है. तो मेनली काम करता था मैं टेस्टिंग के ऊपर. सो वो टेस्ट इधर से ही मेरा एक नया जर्नी स्टार्ट हुआ. टेस्टिंग करते करते देखा मेरा जो सीनियर लोग रहता था वो सीनियर लोग जो ऑटोमेशन बनाना स्टार्ट किया. जो इक्विपमेंट रहता है इक्विपमेंट को विदाउट मैन पावर इट विल टेस्ट ऑटोमेटिकली. सो दैट ऑटोमेशन विल डेवलप बाय सम अदर कोडिंग प्लेटफॉर्म. सो उधर से ही मेरा कोडिंग के बारे में और भी पता चला. तो धीरे धीरे मैं एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया. एंड दिस 4 years इज अ वंडरफुल जर्नी. Got it. But you spent 4 years in Centrum as a in Bangalore as a hardware testing engineer. Yes. What was your work there at Centrum? तू क्या करता था? मैं उधर mainly मैं environmental testing करता था. Environmental testing. Yes. Of what product? This is the defense product. I what called defense products. Okay. Some missiles. Okay. Product. Got it. So you used to test it against other environmental conditions. Yes. Various environmental conditions. It would be more cold, more hot. Different humidity. Got it. Understood. Interesting. But and 4 years different products you did this. Yeah. Got it. Understood. और वहाँ से you understood कि यार coding programming is a different journey. Exactly. Got it. समझ गया. Got it. ठीक है. Accio job कब join किया तूने फिर? Accio job join किया 2021 October को. Okay. 21 October को join किया Accio job. क्या Accio job में अपनी journey बता. अब साथ में 21 October मतलब तेरा BTech भी चल रहा था तब. तेरा एक्यू जॉब भी स्टार्ट हो गया था. तेरा जॉब भी चल रहा था. तीनों चीजें तो साथ में कैसे कर रहा था और कैसे रहा वो जर्नी एक्यू जॉब के साथ? ये बहुत महंगा पड़ रहा था मेरे लिए. मतलब टाइम और भी चाहिए हो रहा था. लेकिन बहुत दिक्कत के अंदर भी जब इवनिंग में क्लास करता था एक्यू जॉब पे उसके बाद क्लास होने के बाद मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं 3 hours दे सकता था. तो ऐसा करके रेगुलर मैं DSA को प्रिपेयर किया. Three hours करके पर डे कंटिन्यू करते करते तो जब मैं फ्रंट एंड में स्विच किया तो मेरा अंदर और एक नेशा चल गया. मतलब जो डिजाइन चीजें मतलब वो अलग ही लेवल है. तो मैं धीरे धीरे फ्रंट एंड को और भी बेहतर से पढ़ाई करना स्टार्ट किया. और भी एक्यू में तो जर्नी बहुत ही अच्छा है. सबसे बढ़िया है जो टीचिंग क्वालिटी है वो कंटेंट अच्छा है प्लेटफॉर्म अच्छा है प्रैक्टिस करने का सब कुछ बहुत अच्छा है. लेकिन ये छोड़ के भी जो एक्स्ट्रा रहता है वो एक्स्ट्रा भी मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया. सो धीरे धीरे मैं प्रोजेक्ट बिल्डिंग करना खुद से प्रोजेक्ट सोचना स्टार्ट किया. प्रोजेक्ट को धीरे धीरे बिल्डअप किया. ऐसा करते करते ग्रो करना स्टार्ट किया धीरे धीरे. फिर देखो हर्ष का कॉल कब आया? सो 30th October अराउंड 1:30 PM I got call from Harsh. Hello, Shobhik. I got your resume. Your resume is quite good and your project also quite unique. Means it's a very unique and fully functional. So I want to hire you. So okay, it's very means मैं fully shocked. मैं तो पूरा shocked हो गया था. उसके बाद बोला मैं पूछा मैं तो always agree हूँ sir. What is the process? बोला मैं तेरे को असाइनमेंट देता हूँ वो असाइनमेंट को तुम क्लियर करो. क्लियर करने के बाद तुम सबमिट करो जिसका टाइम स्पेंड था अराउंड 2-3 days. सो असाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक इंटरव्यू प्रोसेस करेंगे. सो इट्स अ डे फ्राइडे मेरे को याद है. तो फ्राइडे में मैं असाइनमेंट मिलने के बाद मैं असाइनमेंट करना स्टार्ट किया. जो असाइनमेंट था वो भी बहुत ही यूनिक असाइनमेंट था. सो असाइनमेंट मैं कंप्लीट किया संडे को.
संडे कंप्लीट होने के बाद मैंने मंडे मॉर्निंग को सबमिट किया असाइनमेंट. उसके बाद मैं सबमिट किया तो अभी 2:30 को मेरे पास वापस में व्हाट्सएप में रिप्लाई आया, व्हेन यू विल बी अवेलेबल टू टेक इंटरव्यू. सो मैं बोला मैं होल डे अवेलेबल हूँ. सो 7:00 मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था एंड अराउंड 8:30 माय इंटरव्यू विल कंप्लीट एंड आई गॉट ए ऑफर. परफेक्ट. सो जस्ट वन मोर थिंग हियर, सो व्हाट वाज द असाइनमेंट? इट्स अ क्रिएट वेब पेज. गॉट इट. ओके, इंटरेस्टिंग. राइट, सो और कैसा लगा तेरे को, मतलब व्हाट वाज द फीलिंग गेटिंग अ जॉब ऑफर? यू हैड ऑलरेडी लेफ्ट द प्रीवियस जॉब, वर्किंग विद एक्यू इन इटसेल्फ, राइट, कि एक्यू से ही जॉब ऑफर आ गया है. एंड या एक्चुअली वो जो जब मेरा कॉल आया था वो तो एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था. और उसके बाद जो जब मेरा पता चला 8:30 के बाद आई गॉट सिलेक्टेड, वो एक जो वो पूरा शॉकिंग था मेरे लिए. मतलब 2 to 3 seconds आई एम इन डिफरेंट प्लेस. और मैं तो अभी बहुत खुश हूँ क्योंकि ये जो टीम है ये बहुत अच्छा है. मैं एज ए स्टूडेंट पहले एक्यूजॉब को मैं बाहर से देखता था, अभी मैं अंदर से देख रहा हूँ. इन लोग काफी मेहनत करते हैं, काफी एफोर्ट डालता है और हर टाइम नया नया चीज लेके आता है. यही एक्यू का मेन खासियत है. ठीक है, गॉट इट. कैसा लग रहा है एक्यू में आके एक महीना बिता के? बहुत बढ़िया. लर्निंग कैसी है? बहुत. और मेरा टीम में जो जैसा मैं काम कर रहा हूँ बहुत अच्छा लर्निंग मिल रहा है. बहुत बहुत ही लर्निंग मिल रहा है. मतलब काम करता हूँ ना, कभी फील नहीं करता आई एम वर्किंग समथिंग. ऐसा लगता है लर्निंग चल रहा है, मतलब फील नहीं करता कभी, मेरे अंदर कभी फील नहीं होता है मैं कुछ कर रहा हूँ. Got it, yeah. This is amazing, guys. So, super inspiring journey. Souvik's journey is like, it's inspiring for me also, right? As a person, ki, he's seen all of it, right? He's seen quite a lot across all of these years and people keep complaining ki ye nahi hoga, achha job nahi hai, bura job nahi hai, ye hai, wo hai, kya seekhun, kya na seekhun, kaun sa course karna hai, ye course karna hai, wo course karna hai. There's like, always people are looking at options and excuses. But the guy has already, like, the guy has navigated through a ton of stuff throughout his life, right? He did his schooling in 2013, realized ki yaar zoology ka pressure ban raha hai graduation ka, wo kar liya, realized ki nahi drop out karte, mujhe engineering side pe jana hai, I like solving problems. Got himself into a diploma, even if it is not a degree course, he got himself into a diploma because he was curious and started his electrical engineering. Got a job, right? Even if, like, after a diploma, the job is not very high paying as such, right? There are 100 obstacles which a student faces through his journey, right? End mein ki job ke liye apply kahan karo? Job kaise lagega, right? So there are 100 obstacles for a student, and free resources are of course very helpful if you are someone who's self-motivated and works super hard on a given sort of skill set which you have to follow. Very good. You will learn a lot from there, and definitely you should do that as well. No harm in that. But AccuJob brings in a lot more apart from that, and it's a much better structured journey for a student to transition into their career, right? And that's what I think Souvik is also trying to put forward for you guys. But yes, the more important piece of advice, be curious. Half the programming is like just you being curious, trying to figure out, oh, how will I do that? How will I do that? How can I make this better, right? So it's a lot about your own curiosity, your own sort of drive to figure things out, and if you have that, you'll be an amazing programmer for sure, right? On that note, would like to end this conversation off with Souvik. Super special episode for us. I hope his journey was equally inspiring for all of the viewers. For us, it is quite a lot inspiring, right? And hopefully, you had a lot of takeaways here. Yep, so on that note, we'll take a leave. Make sure you do like, share, subscribe the our YouTube channel, and we'll keep coming out with more such inspiring stories and great content to get you started on your programming journey.